हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ को लगाने जा रहे हैं, एक ऐसे पौधे को जो गर्मियों में जो है हमें ठंडक पहुंचाएंगी। और इस पौधे को लगाने के लिए हम क्या है, कोई भी गमले का इस्तेमाल नहीं कर रहे और मिट्टी चाहिए लगाने के लिए, तो हम थोड़ी सी ही मिट्टी का इस्तेमाल करके हम इस पौधे को लगाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या मैं आज लगाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, आज मैं जो लगाने जा रही हूँ वो है तर, यानी कि कुकुम्बर। कुकुम्बर के दोस्तों टू टाइप्स होते हैं, एक तो बिल्कुल लॉन्ग लॉन्ग से होते हैं, हल्के ग्रीन कलर में आते हैं, तो वो मैं लगाने जा रही हूँ। और एक जो है कुकुम्बर होता है जो खीरा होता है वो होता है, लेकिन क्या है हम इनको तर बोलते हैं, तो बहुत लंबे लंबे से होते हैं। और गर्मियों में क्या है, हम ऐसे सैलेड के रूप में जो है हम इनको इस्तेमाल करते हैं खाने में, बहुत जो हमारे डाइजेस्ट के लिए अच्छा होता है। और गर्मियों में क्या है, हमें थोड़ी सी जो है ये ठंडक पहुँचाते हैं। तो इन वेजिटेबल को आप अपने गार्डन में जो है जरूर जो है लगाएं और गर्मियों में जो है सैलेड का जो है आनंद लें। तो देखिए, इनको लगाने के लिए क्या है, मैं किसी गमले का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए आप गट्टे हैं, गट्टे का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इसके लिए क्या है, कोई भी वेजिटेबल वाले पौधे जो है उनको लगाने के लिए थोड़े से क्या है बड़े साइज के जो है गमले की रिक्वायरमेंट होती है। तो बट गमला ज़्यादा बड़ा लेंगे तो क्या है वेट भी ज़्यादा आएगा, तो इससे बेटर है क्या है? मैं यहाँ पे ग्रो बैग का इस्तेमाल कर रही हूँ। होममेड ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहे मार्केट से परचेज करके आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास, अप टू यू। दोस्तों, अगर हम बड़े गमले या बड़े ग्रो बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनको फिल करने के लिए क्या है, हमें बहुत सारी जो है मिट्टी की जरूरत पड़ती है। तो इतनी सारी जो है मिट्टी हम कहाँ से लाएं, तो कम मिट्टी में जो है इस पौधे को कैसे लगा सकते हैं? तो सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, हमारे गार्डन में से बहुत सारी जो है वेस्ट चीज़ें निकलती है, गार्डन वेस्ट निकलती है, पत्तियाँ वगैरह सूखी वगैरह जो निकलती है, वो सारी चीज़ें जिनकी हम प्रूनिंग वगैरह हार्ड प्रून करते हैं, उनकी जो स्टेम वगैरह निकलती है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे किचन में से ही बहुत सारे जो है किचन वेस्ट निकलते हैं, वेजिटेबल के पील होते हैं, फ्रूट्स के पील होते हैं, इन सारी चीज़ों को क्या है आप इकट्ठा करते जाइएगा। और जिस भी कंटेनर में या बोरी बैग में या ग्लो बैग में आपने लगाना है उसमें क्या है आप नीचे से जो है लेयर बनाते जाइएगा। 2 से 3 इंच लेयर बनाने के बाद दोपहर से आप क्या उनमें एक मुट्ठी क्या है काउडंग मैन्यूर या फिर कोई भी कंपोस्ट आप उनमें डाल दीजिएगा और थोड़ी सी मिट्टी डाल के फिर से जो है दोबारा से वो प्रोसेस आजमाइएगा। ऐसे करके क्या है आप बोरी को जो है हाफ फिल कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने बोरी को जो है हाफ फिल कर लिया है ऐसे किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो मिट्टी ले रही हूँ, मिट्टी इनके लगाने के लिए देखिए मेरे जो पुराने गमले की मिट्टी है उनका इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले क्या है इस मिट्टी को क्या है मैंने सन ड्राई कर लिया अच्छी तरीके से, पूरे धूप में जो है 4 से 5 दिन तक इनको मैंने सुखा लिया, ताकि इनमें क्या है कोई भी फंगस वगैरह या कीड़े या पतंगे हो या फिर कोई भी हो तो ये जो है धूप के कारण जो है खत्म हो जाए। तो इनको क्या है मैं अच्छे तरीके से ड्राई कर ली, उसके बाद इनमें जो है काउडंग मैन्यूर और थोड़ी सी क्या है मैंने राख का इस्तेमाल करके और इन मिट्टी को जो है मैंने फिल कर दिया। देखिए मिट्टी मुझे तो फाइनली दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने ग्रो बैग में मिट्टी को फिल कर लिया, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 स्टिक मैंने लगा रखे हैं, क्योंकि गर्मियों में जितने भी वेजिटेबल होते हैं वो वेल की तरह जो है ग्रो करते हैं, तो उनको जो है सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए क्या है मैंने पहले से स्टिक इनमें लगा दिया, ताकि स्टिक जो है अच्छे तरीके से स्टेबल हो जाए और हिले नहीं। तो अब बारी आती है दोस्तों इनमें पौधे को जो है लगाने की। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा चंपा का कंटेनर है, गमला है, और इनमें ही क्या है मैंने खीरे की जो तर है मेरे इनकी जो है बीज को मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि बहुत सारा जो स्पेस है। अब ये सीडलिंग जो है आप देख रहे हैं बड़ी हो गई है, अब इनको क्या है ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो क्या है मैं 2 पौधे ही इस्तेमाल करूंगी, 2 पौधे ही जो है उस बोरी में जो है मैं लगाने जा रही हूँ। तो यहाँ से मैं 2 पौधे को जो है मैं निकाल लेती हूँ, और निकालते से मैं दोस्तों यहाँ पे देखिए पौधा ऑलरेडी पहले से लगा हुआ था, इनमें थोड़े से गड्ढे हो जाएंगे, तो इनको क्या है अलग से मिट्टी लेके जो है हम फिल कर देंगे। तो फाइनली देखिए 2 पौधे को जो है मैंने निकाल लिया। तो सीडलिंग या ट्रांसप्लांट करते समय आप एक बात का ध्यान जरूर रखें, देखिए गर्मियों का टाइम है, अगर ग्रीन नेट के नीचे आपका कंटेनर है तो कोई बात नहीं, लेकिन ओपन में है तो आप जब भी सीडलिंग लगाए या फिर अगर बड़ा गमला है तो क्या है कई बार होता है कि हम बड़े गमले को जो है बार बार जो खिसका के इधर से उधर हम नहीं कर सकते। तो अगर आप गमले को आप खिसका नहीं सकते तो आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने कोई भी सीडलिंग लगाने हैं तो आप इवनिंग का टाइम में लगाइए, क्योंकि उसे 12 घंटे के लिए जो है क्या है इनको टाइम मिल जाएगा, ये अच्छे तरीके से स्टेबल हो जाएंगे। और जब दिन आए तो ऊपर से कोई भी आप पतली सी लेयर या कॉटन क्लॉथ से जो है आप ढक दे, 2 से 3 दिन तक आप ढके रहने दे, तो उसके बाद क्या है ये सीडलिंग जो अच्छे तरीके से जो स्टेबल हो जाएंगी। बट मेरा जो यहाँ पे ग्रो बैग है ये ग्रीन नेट के नीचे है, तो मुझे क्या है ऊपर से इनको क्लॉथ से ढकने की जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फाइनली देखिए 2 मैंने इनमें लगा दिए हैं, गट्टा जो है ये 25 किलो की जो बोरियां हैं बड़ी सी हैं, तो इनमें क्या है मैंने 2 पौधे लगा दिए हैं।
अब लगाने के बाद दोस्तों देखिए बारी आती है पानी देने के लिए, तो हम पानी दे देंगे और 15 दिन के गैप पे क्या है, हम 15 दिन के बाद फिर से इनको क्या है एक मुट्ठी जो है हम खाद दे देंगे। आप किसी भी खाद का जो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आप जो गोबर की खाद होती है वो इस्तेमाल ना करके अगर आप बर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है पौधे के लिए। और बाकी क्या है, आप जो हमारे किचन के वेस्ट होते हैं, बनाना पील्स हो गए या फिर पोटैटो पील्स या अनियन पील्स, इन तीन पील का आप इकट्ठा कर कीजिए और धूप में क्या है ड्राई करके इनके पाउडर फॉर्म बना के आप इनमें क्या है हर महीने या फिर जो है 20 दिन के गैप पे जो है आप इनको जो है 2 चम्मच के करीब जो है इनमें फीड कर सकते हैं। इससे भी क्या है ग्रोथ अच्छे से जो है देखने को मिलेगी। वेजिटेबल वाले जितने भी पौधे होते हैं इनमें क्या है लीफ माइनर या स्पाइडर माइट का जो है अटैक बढ़ जाता है, तो इनसे बचाव के लिए क्या है हम 20 दिन के गैप पे किसी भी फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड या फिर सिंपल नीम ऑयल का जो इस्तेमाल करते रहना चाहिए ताकि कोई भी जो है इनमें रोग ना लगे। और इनमें आप केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि क्या है हम इनको जो है सैलड के रूप में खाने वाले हैं, ये पकने वाले नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप कोई भी हार्मफुल जो है ना फर्टिलाइजर फीड करें और ना ही कोई इंसेक्टिसाइड फीड करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अपडेट के साथ। आई होप मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।